नमस्कार हिंदुस्तान न्यूज टेली में आप सभी का स्वागत है। खेत में क्रैश हुआ अमेठी के IGRUA का ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट, पायलट की मौत। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद क्षेत्र में सोमवार सुबह अमेठी के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी का एक 4-सीटर TB-20 एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। जानकारी के मुताबिक एयरक्राफ्ट को उड़ा रहे ट्रेनिंग पायलट कोणार्क सरन के इस हादसे में मौत हो गई है। आजमगढ़ जिले के सरायमीर थाना क्षेत्र के फरीदीनपुर गांव में सोमवार सुबह 11 बजे खराब मौसम में एयरक्राफ्ट क्रैश होकर खेत में गिर गया। एयरक्राफ्ट की तेज आवाज सुनकर गांव के लोग मौके पर पहुंच गए। सरायमीर थाने के साथ ही अन्य थानों की पुलिस फोर्स भी मौके पर पहुंच गई। बताया जा रहा है कि इस फोर सीटर एयरक्राफ्ट को एक ट्रेनिंग पायलट कोणार्क सरन उड़ा रहे थे। आजमगढ़ के जिला अधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त विमान अमेठी के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी का है। इस बाबन उनकी अमेठी DM से बात की गई है। ट्रेनिंग पायलट कोणार्क सरन अमेठी से सोलो फाइटर पर गया था। इंदिरा गांधी उड़ान राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी ने भी कहा है कि उनका एक विमान सुबह सोटी पर निकला था। ट्रेनिंग पायलट कोणार्क सरन एयरक्राफ्ट TB-20 सोलो उड़ा रहे थे। इसी दौरान वह आजमगढ़ के निजामाबाद और सरायमीर थाना क्षेत्र के बॉर्डर पर क्रैश हुआ। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हिंदुस्तान न्यूज़ डेली को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।